मौधार डैम का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें हुई नष्ट। जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों ने की मुआवजा की मांग। खबर हमीरपुर जनपद से, जहां मौधार डैम का जलस्तर बढ़ने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई। बता दें कि राठ क्षेत्र के परा मबई आदि गांव के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि खेतों में तिल, उड़द, मूंगफली आदि की फसलें बांध का पानी भरने से बर्बाद हो गई है। अगर डैम का पानी कम नहीं हुआ तो आने वाली रबी की फसल की बुवाई नहीं हो सकेगी। हमारी समस्या ये है कि जो मौधार डैम का पानी है वो ओवरफ्लो भर गया। कुछ जमीन हमारी ऐसी डूब चुकी है जिसका मुआवजा हमें नहीं मिला था। उसमें फसलें भी लगी थी तो फसलें भी नष्ट हो गई हैं। तो शासन प्रशासन से यही कह रहे हैं कि उस फसल का भी मुआवजा मिले, प्लस वो जमीन जो मुआवजा नहीं मिला है उस जमीन का भी मुआवजा दिलाया जाए। कितनी फसल लगभग नष्ट हुई? लगभग सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ फसल नष्ट हो गई। तहसीलदार जिला हमीरपुर से आया हूँ। मेरी समथिंग 4-5 बीघा फसल डूब चुकी है, जिसका ना तो मुझे अब तक कोई मुआवजा मिला है और ना ही कुछ। मेरी फसल भी खराब हो चुकी है, जमीन भी डूब में। कैसे बाल जमीन मौदा बांध के जल भराव के कारण मेरी जमीन डूब चुकी है। अभी आप जिलाधिकारी के आए किस लिए? ज्ञापन हम इसलिए आए हैं कि हम ज्ञापन दे सकें कि जो हमारी फसलें नष्ट हो चुकी हैं उनका हमें मुआवजा मिले और जो जमीन हमारी डूब में है उसका भी हमें मुआवजा मिल सके।